हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नई रेसिपी। क्यों ना घर में ही कुछ मीठा तैयार किया जाए, तो इसके लिए चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी रेसिपी। इस रेसिपी को शुरू करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे दूध लिया है, ये लगभग 2 कप दूध है। इसमें सेकेंड इन्ग्रीडियंट्स मैंने 1 कप मिल्क पाउडर लिया है, आप कोई सा भी मिल्क पाउडर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने नारियल का बुरादा लिया है, ये एकदम पतला वाला बुरादा है, और इसमें मैंने 4 से 5 हरी इलायची का। पहले यहाँ पर हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया है, अब हम इसमें इस मेजरिंग कप से 2 कप दूध को डाल देंगे। हमने दूध को इसमें डाल दिया है और अब हम इसको बॉयल होने तक चलाते रहेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा दूध बॉयल हो रहा है और इसको हम ऐसे ही सेम आंच पे थोड़ी देर पकाएंगे। देखिए हमारा दूध अब पक करके लगभग थोड़ा कम हो रहा है, इसको हम थोड़ी देर और पक। देखिए यहाँ पे हमारा दूध लगभग पक करके 1/3 हो गया है, और जो है यहाँ पे आप किसी भी तरह का दूध का यूज़ कर सकते हैं, गाय के भैंस का, जैसा भी आपको अवेलेबल हो। जब तक हमारा दूध पक रहा है तब तक हम यहाँ पे मेजरिंग कप से 1 कप जो है मिल्क पाउडर निकाल लेंगे और इसको बाउल में डाल लेंगे। अब यहाँ पे मैंने जो है हाफ जो है मेजरिंग कप से जो है थोड़ा सा जो है चिल्ड दूध निकाल लिया है, इसको हम ठंडा ही इसमें थोड़ा थोड़ा करके एक पेस्ट बनाएंगे। ठंडे दूध से हम पेस्ट इसलिए बनाएंगे क्योंकि इसमें जो है जितने भी लम्स हैं या जो भी हैं वो ख़त्म हो जाए। अगर हम डायरेक्ट गर्म दूध में इसको डालेंगे तो उसमें काफ़ी लम्स बन जाएंगे, जो हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अगर आपको लगता है कि इस पेस्ट में दूध कम पड़ रहा है तो आप थोड़ा सा और चिल्ड दूध यूज़ करके इसको अच्छे से फेंट सकते हैं, उठा करके इसमें मिक्स कर देंगे। अब हम इसको धीरे धीरे ऐसे चलाते रहेंगे जब तक ये हमारा अच्छा सा गाढ़ा एक पेस्ट तैयार नहीं हो जाता। थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, इसको हम और गाढ़ा करेंगे और कॉन्टिन्यूस इसको चलाते रहेंगे कि ये दूध नीचे लगने न पाए। 1/3 कप शुगर लिया है, अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम फिर से और गाढ़ा करेंगे, शुगर डालने के बाद थोड़ा सा पतला होगा। अब यहाँ पे इसको हम कॉन्टिन्यूस चलाते रहेंगे क्योंकि चीनी डालने के बाद ये थोड़ा पतला होगा, इसको हम और गाढ़ा करेंगे। अब हम यहाँ पे जो हमने गरी का बुरादा लिया था इसको इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अब ये दूध पूरी तरह से खोए की तरह बन गया। अब हम इन इलायचियों को कूट लेंगे अच्छे से, आप चाहें तो पीसी हुई भी इलायची का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस कुटी इलायची को इसमें ऐड कर देंगे। देखिए अब ये पेस्ट हमारा बिल्कुल खोए जैसा तैयार है, इसको थोड़ा सा हम और ड्राई कर लेंगे। देखिए ये हमारा खोया एकदम रेडी हो गया है, अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये एकदम ठंडा हो जाएगा तब इसका हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे अब हमारा पेस्ट पूरी तरह से रेडी हो गया है, ये काफ़ी ठंडा भी हो गया है, अब हम इसको एक शेप देंगे। देखिए मैंने इसको पेड़े का शेप दे दिया है और ये पूरी तरह से एक दानेदार खोया बनके तैयार हो गया है। बड़ी शेप दे सकते हैं, राउंड में देना चाहिए, सर्कल में देना चाहिए, जैसे भी देना चाहिए, या बर्फ़ी की तरह भी जमा के आप इसको काट सकते हैं। मैंने यहाँ पे पेड़े का सही शेप दिया। देखिए यहाँ पर हमारे पेड़े बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं, ये घर में बहुत कम इन्ग्रीडियंट्स से तैयार किए गए हैं, तो एक बार इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।